हुई चूक के बाद राहुल गांधी का पहला बयान आया सामने। राहुल गांधी ने कहा, बेरोजगारी है इस घटना की असली वजह है। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के कारण हुआ ये सब। संसद में हुई चूक के बाद अब इस मामले में सियासत भी उफान पर है। अब इस मामले पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बयान दिया है। इस घटना पर बोलते हुए राहुल गांधी ने केंद्र की सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि सुरक्षा में चूक हुई है, लेकिन यह क्यों हुआ? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा है, जिसे लेकर पूरे देश में उबान है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। पार्लियामेंट सुरक्षा ब्रीच पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? सुरक्षा ब्रीच हुई है, क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। संसद की सुरक्षा में सेंध के मसले पर विपक्षी पार्टियां सरकार पर हमलावर हैं। शुक्रवार को ही संसद की कार्यवाही पूरे दिन नहीं चल सकी। विपक्ष का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में जवाब दे, वहीं सरकार का कहना है कि जांच के आदेश दिए गए हैं, ऐसे में इस मसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो वही इस मामले में मैसूर में बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा के बयान दर्ज हो सकते हैं। इस मामले में पूछताछ के लिए स्पेशल सेल की टीम ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र भी लिखा है। जानकारी के अनुसार सांसद प्रताप सिन्हा के पीए से भी मामले में पूछताछ की जाएगी, क्योंकि सांसद प्रताप सिन्हा के नाम पर जारी विजिटर पास के जरिए ही आरोपियों ने सदन में प्रवेश लिया था।